हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डायोड क्लिपर सर्किट के बारे में। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो हम यूज क्या है डायोड क्लिपर सर्किट का वो समझ लेते हैं। जो हमारे वेवफॉर्म होते हैं एसी के कुछ ऐसे, ये वेवफॉर्म में से जो अनवांटेड वेवफॉर्म है उसे ये क्लिपर सर्किट रिमूव कर देती है या बोल दो स्लाइस कर देती है। जैसे कि ये वेवफॉर्म है, इसमें से मुझे ये पॉजिटिव जो हाफ साइकिल है वो नहीं चाहिए, यानी इसे रिमूव करना है, यानी इसे स्लाइस करना है। तो यहां पे स्लाइस हो गया, रिमूव हो गया। कैसे हुआ? ये डायोड क्लिपर सर्किट का यूज करके। यानी डायोड क्लिपर सर्किट क्या करेगा, ये डायोड क्लिपर सर्किट जो हमारा वेवफॉर्म है उसमें से अनवांटेड वेवफॉर्म जो है उसे क्लिप कर देगा या फिर रिमूव कर देगा या फिर स्लाइस कर देगा। ठीक है, यूज समझ में आ गया इसका। अब जो डायोड क्लिपर सर्किट है उसके अंदर हम दो चीजों का यूज करते हैं, एक तो डायोड का यूज करेंगे और एक रेजिस्टर का यूज करेंगे। और ये डायोड क्लिपर सर्किट के कुछ टाइप्स होते हैं, वो सारे टाइप्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो इसके फर्स्ट टाइप से हम शुरू करते हैं, जो कि है सीरीज पॉजिटिव क्लिपर। सीरीज यानी क्या, जो भी हम डायोड यूज कर रहे हैं वो इनपुट सोर्स के साथ सीरीज में लगा हुआ है, इसलिए बोल दिया सीरीज। पॉजिटिव क्लिपर यानी क्या, ये हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव जो हाफ साइकिल है उसमें से पॉजिटिव साइकिल को क्लिप कर रहे हैं, यानी ये पॉजिटिव साइकिल निकाल रहे हैं, यानी ये निकल गई, नेगेटिव साइकिल रही, इसलिए इसे बोल दिया पॉजिटिव क्लिपर। कौन सा? सीरीज। सीरीज यानी डायोड और इनपुट सोर्स सीरीज में। अच्छा, अब ये कैसे होगा देख लेते हैं। तो यहां पर सर्किट डायग्राम बना के रखा है। अब हमें पता है यहां से हमने क्या लिया, इनपुट लिया। कौन सा इनपुट? ये वी आई, ये वाला वेवफॉर्म लिया। और हमें आउटपुट में ऐसा चाहिए, पॉजिटिव साइड क्लिप करनी है, नेगेटिव साइड ही रखनी है। तो कैसे मिलेगी? यहाँ पे इनपुट पे कौन सा है, एसी है। एसी यानी वो अपनी पोलारिटी चेंज करता रहता है, प्लस माइनस होता रहता है। तो कोई पर्टिकुलर टाइम के लिए हम ऐसा अज्यूम करते हैं, या फिर बोल दे ये जो फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल है उसके लिए यहां पे ये प्लस टर्मिनल है और यहां पे ये माइनस टर्मिनल है। अच्छा, अगर ऐसा किया तो क्या होगा, यहां पे प्लस आ जाएगा, यहां पे माइनस आ जाएगा। यानी कि ये कौन सा, एन टाइप, यानी नेगेटिव के साथ पॉजिटिव। ये पी टाइप, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, यानी ये रिवर्स बायस हो गया डायोड। डायोड रिवर्स बायस हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, अब ये पहली पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए कोई भी करंट जाने नहीं देगा, तो आउटपुट पे अब हमें कुछ करंट मिलने वाला नहीं है, यानी कि जीरो करंट या जीरो पोटेंशियल मिलेगा। ठीक है, अब हम नेगेटिव इसको हाफ साइकिल दे रहे हैं, यानी नेगेटिव हाफ साइकिल देने पे ये क्या हो जाएगा, ये अब पोलारिटी चेंज, माइनस और ये प्लस। अगर हमने ऐसा कर दिया तो अब वापस से चेक करते हैं डायोड को, तो यहां पे ये प्लस और ये माइनस, इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव सेमीकंडक्टर के साथ नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव सेमीकंडक्टर के साथ पॉजिटिव टर्मिनल। डायोड फॉरवर्ड बायस में है, डायोड में से अब करंट फ्लो होगा, यानी करंट फ्लो कब होगा, जब नेगेटिव साइकिल देंगे तो करंट फ्लो यहां पे लोड में आएगा, लोड में आएगा, यानी कि अब आउटपुट में हमें ये वेवफॉर्म मिलेगा, तो इसकी जो पॉजिटिव साइकिल वो क्लिप हो गई। अच्छा, अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं, सीरीज नेगेटिव क्लिपर। सीरीज यानी डायोड और इनपुट सोर्स सीरीज में। नेगेटिव क्लिपर यानी क्या, ये वेवफॉर्म है उसका नेगेटिव हाफ साइकिल है वो रिमूव करना है। कैसे करें देख लेते हैं। पहले तो ये फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें तो ये प्लस ये माइनस, यानी ये प्लस पी के साथ माइनस एन के साथ। ठीक है, तो यानी ये फॉरवर्ड बायस हो गया। फॉरवर्ड बायस यानी फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए करंट फ्लो करा देगा, यानी आउटपुट में हमें ऐसा वेवफॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, अब बाद में हम क्या करेंगे, नेगेटिव हाफ साइकिल इसको देंगे, नेगेटिव हाफ साइकिल देंगे तो ये पोलारिटी चेंज, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस यानी ये जो पी टाइप है उसके साथ माइनस और एन टाइप है उसके साथ प्लस। रॉन्ग कनेक्शन, रिवर्स बायस हो गया। रिवर्स बायस यानी अब ये डायोड खुद में से करंट पास करने देगा नहीं, यानी नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए अब जीरो पोटेंशियल या करंट मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये नेगेटिव साइड क्लिप हो गई। नेक्स्ट देखते हैं शंट पॉजिटिव क्लिपर। अब शंट यानी क्या, पैरेलल। पैरेलल कैसे, कि ये जो हमारा डायोड है वो जो हमारा इनपुट सोर्स है उसके साथ पैरेलल कनेक्ट किया गया है।
पॉजिटिव क्लिपर यानी क्या, ये वेवफॉर्म में से पॉजिटिव साइड क्लिप करनी है, रिमूव करनी है, कैसे देख लेते हैं। वापस से हम यहां पे इनपुट पे क्या देंगे, हाफ पॉजिटिव साइकिल, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब यहां से ये माइनस एन टाइप के साथ माइनस और ये पी टाइप के साथ प्लस, यानी कि डायोड कैसा हो गया हमारा, फॉरवर्ड बायस हो गया। फॉरवर्ड बायस हो गया यानी करंट फ्लो कराएगा। अब करंट यहां से निकला, ठीक है, करंट को अलाउ करेगा, करंट यहां से निकला। अब ये पॉइंट पे करंट डिवाइड होगा, ठीक है, लेकिन ये पॉइंट पे अब करंट डिवाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां से अगर करंट जाता है तो आउटपुट पे कुछ लोड है, रेजिस्टेंस है, यानी कि यहां से अब करंट जाएगा। क्यों? डायोड हमेशा लो रेजिस्टिव पाथ देते हैं जब भी वो करंट फ्लो कराते हैं, यानी कि ये क्या हो जाते हैं, क्लोज सर्किट, उसमें रेजिस्टेंस होता नहीं है। ये आइडियल डायोड की तरह बिहेव करते हैं, यानी सारा का सारा करंट ये आइडियल डायोड है जिसका रेजिस्टेंस जीरो है, लो रेजिस्टेंस है, उसमें से पास होगा, ना कि ये रेजिस्टेंस वाले पाथ में से पास होगा। यानी फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए हम क्या बोल देंगे, सारा करंट तो डायोड में से पास हो गया, आउटपुट पे कुछ आया नहीं, यानी जीरो पोटेंशियल मिल गया, ठीक है। अच्छा, अब हम इसे देंगे नेगेटिव हाफ साइकिल, तो पोलैरिटी चेंज, माइनस प्लस, यहां पे प्लस, ये माइनस, ये कैसा हो गया, रॉन्ग कनेक्शन हो गया। रॉन्ग कनेक्शन हो गया यानी क्या, अब ये डायोड खुद में से कोई भी करंट पास नहीं कराएगा, यानी करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकला, अब दो रास्ते करंट के पास, यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है, ऊपर जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये करंट को अलाउ नहीं करेगा, ओपन सर्किट होगा, यानी कि यहां पे अब टूट गई सर्किट, इसलिए करंट यहां पे ना जाते हुए लोड में जाएगा, यानी कि आउटपुट में हमें नेगेटिव साइकिल ऐसी मिलेगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं शंट नेगेटिव क्लिपर। शंट यानी पैरेलल, नेगेटिव क्लिपर यानी ये वेवफॉर्म का नेगेटिव साइड निकालना है। अच्छा, कैसे करेंगे, तो सबसे पहले फर्स्ट हाफ पॉजिटिव साइकिल देते हैं, तो ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, तो ये माइनस और ये प्लस, पी के साथ माइनस, ये एन के साथ प्लस, यानी ये कैसा हो गया हमारा, रिवर्स बायस में हो गया, रॉन्ग कनेक्शन। रिवर्स बायस में क्या होगा, ये डायोड करंट को जाने देगा नहीं, यानी सर्किट ब्रेक हो गई, सर्किट टूट गई है, ठीक है। अब यहां से जो करंट निकल रहा है ये पॉइंट पे, यहां पे नहीं जाएगा, क्यों, सर्किट ब्रेक हो गई है, रिवर्स बायस हो गया है, तो ये करंट यहां पे फ्लो होता हुआ ऐसे जाएगा, यानी प्लस हाफ साइकिल के लिए हमें आउटपुट मिलेगा ऐसा कुछ, ठीक है। अच्छा, अब हम इसे दे रहे हैं नेगेटिव हाफ साइकिल, तो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए पोलैरिटी चेंज करते हैं, ये माइनस, ये प्लस, यहां पे क्या होगा देख लेते हैं, ये माइनस इसका और ये प्लस, यानी पी के साथ प्लस, एन के साथ माइनस, यानी करेक्ट कनेक्शन, फॉरवर्ड बायस, यानी ये अब डायोड करंट को फ्लो कराएगा। करंट को फ्लो कराया यानी पॉजिटिव में से करंट निकला, यहां पे इसके पास दो रास्ते हैं, ठीक है, यहां पे जाएगा या यहां पे जाएगा, यहां पे तो जाएगा नहीं, क्यों नहीं जाएगा यहां पे, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहां पे लोड है, रेजिस्टेंस है, ये डायोड आइडियल डायोड है, यानी इसका कुछ रेजिस्टेंस नहीं है, लो रेजिस्टेंस है, इससे सारा करंट यहां से फ्लो हो जाएगा। यानी जब हम इसे नेगेटिव हाफ साइकिल देंगे तब ये रिवर्स बायस बन जाएगा, करंट ऐसे फ्लो कराएगा, लो रेजिस्टेंस में कुछ करंट जाने नहीं देगा, इसका मतलब यहां पे जीरो आउटपुट मिलेगा। नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं, बाकी के चार टाइप देख लेते हैं। जो पिछले चार टाइप हमने देखे वो सारे अनबायस्ड क्लिपर थे, और ये जो चार टाइप है वो बायस्ड क्लिपर के टाइप है। अब अनबायस्ड क्लिपर यानी क्या, कि हमने पिछले चार जो टाइप देखे उसमें हमने बैटरी यूज नहीं करी थी, इसका मतलब वो हो गए अनबायस्ड क्लिपर। यहां पे आप देख सकते हो बैटरी हमने यूज करी है, बैटरी यूज की, इसका मतलब ये कैसे क्लिपर है, बायस्ड क्लिपर है। तो बायस्ड क्लिपर के टाइप देख लेते हैं। फर्स्ट है सीरीज बायस्ड पॉजिटिव क्लिपर। सीरीज यानी क्या, डायोड इनपुट सोर्स है सीरीज में। बायस्ड यानी क्या, बैटरी यूज करी है। पॉजिटिव क्लिपर यानी क्या, ये वेवफॉर्म में से ये जो पॉजिटिव साइड है हमारी, इसे हमें क्लिप करना है, ठीक है। कैसे, इतना ही पोर्शन क्लिप होगा, ये कैसे रिमूव हो जाएगा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां से हम ये प्लस हाफ साइकिल देंगे। प्लस हाफ साइकिल दी यानी ये प्लस करते हैं, ये माइनस करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, ये एन टाइप प्लस, ये हमारा पी टाइप माइनस, रॉन्ग कनेक्शन, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस यानी क्या, करंट फ्लो होने देगा नहीं। लेकिन रुको यहां पे, ये बैटरी भी तो है, बैटरी वीबी पोटेंशियल की, ये प्लस इसके प्लस के साथ जाएगा, ये माइनस इसके रिस्पेक्ट में ये माइनस हो जाएगा, यानी कि ये बैटरी अब क्या कर रही है, प्लस पॉजिटिव टाइप यानी पी टाइप, माइनस नेगेटिव टाइप, यानी ये बैटरी तो इसे फॉरवर्ड बायस कर रही है।
अगर फॉरवर्ड बायस की, इसका मतलब करंट फ्लो हुआ, यानी जब प्लस हाफ साइकिल थी तब करंट फ्लो होना शुरू हो गया यहां तक ही सिर्फ। क्यों? क्योंकि करंट तब तक फ्लो होगा जब तक वीबी का वैल्यू ये वीआई से बड़ा हो। जब तक VB का वैल्यू बड़ा है तब तक ये VB यहां पे असर करेगा, इसे फॉरवर्ड बायस बना देगा। भले ये रिवर्स बायस बना रहा हो, ये रिवर्स बायस का कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि VB का पोटेंशियल इनिशियली इससे ज्यादा है, यानी VB की वजह से ये फॉरवर्ड बायस बना, कुछ करंट फ्लो कराया, फिर करंट जीरो, यानी कुछ फ्लो क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि इनिशियली ये VI का वैल्यू बढ़ता जाता है, बढ़ते बढ़ते जब ये VB से बड़ा हो जाएगा तब क्या होगा, तब ये डायोड पे असर करेगा, यानी तब ये प्लस ये माइनस होगा, यानी कि अब ये रिवर्स बायस में आ जाएगा, इसलिए कोई करंट फ्लो होगा नहीं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका मतलब करंट कब तक फ्लो होगा, जब तक VB का वैल्यू VI से ज्यादा है, तो फॉरवर्ड बायस लगेगा, करंट फ्लो होगा, ये वैल्यू बढ़ रहा है। जब VB का वैल्यू VI से कम हो जाएगा तब ये डायोड कौन सा हो जाएगा, रिवर्स बायस, तब ये प्लस माइनस लग जाएंगे, रिवर्स बायस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब फर्स्ट हाफ साइकिल का तो समझ में आ गया, ये पोर्शन रिमूव कैसे हुआ समझ में आ गया। अब देखते हैं कि नेगेटिव हाफ साइकिल जब हम इसे देंगे तब क्या होगा। नेगेटिव हाफ साइकिल यानी क्या, पोलरिटी चेंज माइनस प्लस। ठीक है, अब माइनस यानी एन टाइप के साथ माइनस, पी टाइप के साथ प्लस, यानी कैसा हो गया, फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस यानी करंट फ्लो कराएगा। ठीक है, नेगेटिव हाफ साइकिल देने पर दूसरी चीज क्या, ये बैटरी भी सपोर्ट करेगी। क्यों? ये बैटरी का प्लस तो ये प्लस, बैटरी का माइनस तो ये माइनस, यानी बैटरी भी इसे सपोर्ट करेगी नेगेटिव हाफ साइकिल में, यानी नेगेटिव हाफ साइकिल में हमें आउटपुट मिल जाएगा, करंट फ्लो कर जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सीरीज बायस नेगेटिव क्लिपर। सीरीज यानी डायोड और ये हमारा इनपुट सोर्स सीरीज में, बायस यानी बैटरी यूज करी, नेगेटिव क्लिपर यानी ये नेगेटिव साइड इतना पोर्शन रिमूव करेंगे। कैसे देख लेते हैं, सबसे पहले इसे हम देते हैं फर्स्ट हाफ साइकिल, तो ये प्लस ये माइनस, तो यहाँ पे प्लस पी टाइप के साथ ये माइनस, यानी क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस हुआ यानी करंट फ्लो कराएगा पॉजिटिव साइकिल में। ठीक है, करंट फ्लो करा दिया इसने, तो ये हमारा करंट या पोटेंशियल हमें मिल गया। अब हम नेगेटिव हाफ साइकिल देंगे, तो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए पोलरिटी कैसी हो जाएगी, माइनस प्लस हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, यानी अभी कैसा हो गया, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस यानी क्या, ओपन सर्किट, ये करंट फ्लो होने नहीं देगा, लेकिन यहां पे ये वीबी जो पोटेंशियल की बैटरी है उसका कनेक्शन देखते हैं माइनस, यानी एन टाइप से माइनस और ये P टाइप से प्लस, ये माइनस यहां आ गया, ये प्लस यहां आ गया, यानी करेक्ट कनेक्शन हो गए, यानी ये जो है बैटरी इसे फॉरवर्ड बायस बना देगी। कब? जब नेगेटिव हाफ साइकिल दोगे तब। फॉरवर्ड बायस ये बैटरी ने बना दिया तो करंट फ्लो होना शुरू हुआ, लेकिन करंट यहां आके रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है क्योंकि जो VB का जो वैल्यू है वो VI से ज्यादा है। VB का वैल्यू VI से ज्यादा होने पर VB इसे फॉरवर्ड बायस में कन्वर्ट करता है, भले VI इसे रिवर्स बायस बनाता हो, लेकिन VI का वैल्यू इनिशियली कम है VB से, तो VB इसको ऑपरेट करेगा, यानी VB की वजह से ये फॉरवर्ड बायस रहेगा तो करंट फ्लो होगा। जैसे ही VI का वैल्यू बढ़ा, VB से बड़ा हो गया, तब क्या करेगा, तब ये डायोड यहां पे कौन सा, माइनस प्लस, रिवर्स बायस हो गया, करंट फ्लो कराएगा नहीं, यानी ऐसा पोर्शन हमें मिलेगा, ये पोर्शन निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं शंट बायस पॉजिटिव क्लिपर। शंट यानी क्या, डायोड और ये इनपुट सोर्स जो है दोनों पैरेलल यानी कि शंट में है। बायस यानी बैटरी यूज करी, पॉजिटिव क्लिपर यानी ये जो पॉजिटिव साइकिल है हाफ, उसमें से कुछ हम रिमूव करेंगे। कैसे देख लेते हैं, तो सबसे पहले हम इसे क्या देंगे, फर्स्ट हाफ साइकिल देंगे। फर्स्ट हाफ साइकिल देने पे ये प्लस हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब प्लस हाफ साइकिल दी तो ये यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया, यानी क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया। फॉरवर्ड बायस हो गया यानी कुछ करंट बढ़ा, ये करंट यहाँ पे रुक क्यों गया, क्योंकि ये जो बैटरी है वो ये डायोड को क्या कर रही है, ये प्लस दे रही है और ये माइनस यानी रिवर्स बायस बना रही है। रिवर्स बायस यानी ये डायोड में से अब करंट फ्लो होने वाला नहीं है। ठीक है, तो हमें पॉजिटिव हाफ इनपुट जो हमने दिया तो ऐसा कुछ हमें वेव फॉर्म मिला। अब हम नेगेटिव इनपुट देंगे इसे, तो नेगेटिव में पोलरिटी चेंज, ये माइनस ये प्लस। ठीक है, अच्छा, अब चेक करते हैं, ये माइनस यहां पे आ गया, ये प्लस यहां पे आ गया,
ये माइनस प्लस कैसा हो गया, रिवर्स बायस, रिवर्स बायस हो गया, यानी ये डायोड में से अब कुछ करंट फ्लो होगा नहीं, ओपन सर्किट हो गई, यानी कि जो ये प्लस में से करंट निकल रहा है वो दो रास्ते देखेगा, एक यहां जाए एक यहां जाए, यहां तो जाएगा नहीं, क्यों, ओपन सर्किट है, ये रिवर्स बायस है, तो सारा करंट यहां से यहां फ्लो हो जाएगा, यानी आउटपुट पे हमें ऐसा कुछ वेवफॉर्म मिलेगा, किसके लिए, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। अच्छा लास्ट देख लेते हैं, शंट बायस नेगेटिव क्लिपर, शंट यानी क्या, ये पैरेलल में, बायस यानी क्या, बैटरी कनेक्ट करी वीबी पोटेंशियल की, नेगेटिव क्लिपर यानी क्या, नेगेटिव जो हाफ साइकिल है उसमें से कुछ निकाल देंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कैसे, पहले तो हम इसे पॉजिटिव हाफ साइकिल देते हैं, तो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस यहां पे, ये माइनस यहां पे, डायोड कैसा हो गया, डायोड हो गया रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस में क्या होगा, ओपन सर्किट, कुछ भी करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो ये प्लस में से जो करंट निकलेगा वो यहां पे दो रास्ते देगा, यहां पे जाएगा नहीं जाएगा, क्यों, ओपन सर्किट है, तो सारा करंट ऐसे फ्लो हो जाएगा, यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हमें ऐसा कुछ वेवफॉर्म मिलेगा। ठीक है, अब हम इसे नेगेटिव हाफ साइकिल दे रहे हैं, नेगेटिव हाफ साइकिल यानी पोलारिटी चेंज, माइनस प्लस। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या होता है, तो माइनस यहां पे दे दिया माइनस, और ये प्लस यहां पे दे दिया, अब क्या हो गया, कर ये हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस हो गया, तो क्या होगा, करंट फ्लो कराएगा आउटपुट में, तो ऐसे करंट कुछ फ्लो किया, बाद में करंट नहीं मिल रहा हमें, क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि ये जो हमारा बैटरी है वीबी पोटेंशियल का, वो क्या कर रहा है, इसे ये माइनस है ये प्लस है, यानी ये यहाँ पे माइनस आ जाएगा और ये प्लस आ जाएगा, यानी ये बैटरी क्या कर रही है, इसे रिवर्स बायस बना रही है, अगर रिवर्स बायस बनाया तो अब करंट फ्लो होगा नहीं। ठीक है, तो जिससे करके हमें ऐसा कुछ वेवफॉर्म मिलेगा। तो एग्जाम में आपको इतने टाइप लिख के आने हैं, तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन, रीड हार्ड, वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।